नमस्कार मित्रों, अब हम बात करते हैं चैप्टर 10, मोबाइल डिवाइस स्मार्टफोन के साथ कार्य करना, वर्किंग विथ मोबाइल डिवाइस। इसमें सबसे पहला आता है हैंडल डिवाइस के प्रकार। मार्केट में कई मोबाइल उपकरण उपलब्ध हैं, हालांकि इस खंड सेक्शन में कुछ लोकप्रिय उपकरणों की हम चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है फीचर फ़ोन। फीचर फ़ोन मोबाइल फ़ोन एक वर्ग जो कि आधुनिक स्मार्टफोन के विपरीत लो एंड मोबाइल फ़ोन दर्शाता है, क्षमताओं में सीमित हैं। फीचर फ़ोन आमतौर पर वॉइस कॉलिंग, टेक्स्ट मैसेज, इसके अलावा बेसिक मल्टीमीडिया एवं इंटरनेट फीचर्स आपको वायरलेस सेवा प्रदाता द्वारा दी जाने वाली अन्य सेवाओं की सुविधा प्रदान करता है। इसके बाद में हम बात करते हैं स्मार्टफोन। स्मार्टफोन एक मोबाइल है जो कंप्यूटर के कार्य की क्षमता रखता है। इसमें आमतौर पर एक टच स्क्रीन इंटरफेस यानी टच स्क्रीन इंटरफेस इंटरनेट एक्सेस और डाउनलोड किए गए ऐप्स चलाने सक्षम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। स्मार्टफोन इंटरनेट ब्राउज कर सकते हैं, कंप्यूटर की भांति बुनियादी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी चला सकते हैं। स्मार्टफोन की विशेषता, फ़ोन कॉल्स, टेक्स्ट मैसेज करना, रिसीव करना। हर स्मार्टफोन में डिजिटल कैमरा होता है, तस्वीरें, पिक्चर, वीडियो लेने की क्षमता होती है। इंटरनेट ब्राउज कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। GPS की क्षमता होती है, लोकेशन ढूंढ सकते हैं, नेविगेशन की सुविधा यूज ले सकते हैं, ऑडियो और संगीत म्यूजिक सुन सकते हैं और रिकॉर्ड कर सकते हैं, समय तारीख दर्शाता है। इसके अलावा अलार्म घड़ी, स्टॉप वॉच, टाइमर ETC यूज ले सकते हैं, वॉइस डिटेक्शन नोट्स बनाना, टॉर्च लाइट, ई बुक रीडर और भी ऐप हम इसमें यूज ले सकते हैं। इसके बाद में आता है टैबलेट। टैबलेट PC के रूप में भी जाना जाता है। टैबलेट मोबाइल कंप्यूटर डिवाइस है। यह आमतौर पर एक पुस्तक की साइज का होता है, यानी मीन्स 7 इंच या थोड़ा सा उससे बड़ा होता है, एक बड़े स्मार्टफोन के समान होता है। फिर आता है फेबलेट्स। फेबलेट्स एक कंप्यूटिंग डिवाइस है। तिरछा मापा जाए तो स्क्रीन का आकार 4 और 7 इंच के बीच होता है, जिसका जैसा कि नाम से पता चलता है डिवाइस अनिवार्य रूप से टेबलेट है, जो फ़ोन रूप में फीचर्स भी कार्य करता है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं पॉइंट 2, लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे मोबाइल OS भी कहा जाता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल स्मार्टफोन्स, PDA, टैबलेट कंप्यूटर्स, हैंडहेल्ड डिवाइस और भी एप्लीकेशन प्रोग्राम चलाने के लिए ये डिजाइन किए गए हैं। इसमें पहला आता है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स कर्नल पर बनाई है OS गूगल ने बनाया है, जो बहुत से मोबाइल उपकरणों में चलता हुआ मिल जाता है। एंड्रॉयड के बारे में आप सभी जानते भी हैं। इसके बाद हम बात करते हैं विंडोज़ फ़ोन OS। हम में से अधिकांश विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से परिचित हैं, जो दुनिया भर में अधिकांश कंप्यूटरों में उपयोग किया जाता है। अभी जो पॉपुलर विंडो है वो है विंडो 10। अब हम बात करते हैं एप्पल iOS। एप्पल iOS मल्टी टच मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्पल के आईफोन, आईपैड, आईपॉड को चलाता है। सॉफ्टवेयर एक विशेष संस्करण जो एप्पल वॉच को भी संचालित करता है। इसके बाद में अगला जो हमारा पॉइंट आता है, स्मार्टफोन पर गूगल प्ले को कॉन्फ़िगर करना। इसमें सबसे पहले अपने एंड्रॉयड फ़ोन को चालू करें और मेनू स्क्रीन पर जाएं, एप्लीकेशन सूची प्ले स्टोर ऑनलाइन ढूंढें और टैप करें, ऐड गूगल अकाउंट विंडो एग्जिट टैप करें, साइन विंडो यानी अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के उसको रजिस्टर करें यानी लॉगिन करें। कार्य पूर्ण करने के बाद में राइट एरो आइकन को टैप करें। सेटअप भुगतान जानकारी इंटरफेस पर अपनी पसंदीदा भुगतान विधि का प्रतिनिधित्व करने का वाला विकल्प टैप करें। बैकअप पुनर्स्थापना विंडो तो फ़ोन को गूगल खाता, चेकबॉक्स, बैकअप आदि के लिए टैप कर सकते हैं। अंत में आप प्ले स्टोर से
बॉटम या तीर जैसे बटन टेप का उपयोग करें। जैसे ही हमारा अकाउंट कॉन्फ़िगर होता है गूगल प्ले में, तो एंड्रॉयड फ़ोन पर एक ऐप इंस्टॉल करना या अनइंस्टॉल करना। हम गूगल प्ले से कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में आप इंस्टॉल भी करना चाहें तो उस पर क्लिक करें या ओपन पर। जब एंड्रॉयड फ़ोन में प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड होती है तो उसमें ओपन का ऑप्शन होता है और एक इंस्टॉल का भी ऑप्शन होता है। आप पहले इंस्टॉल पे क्लिक करें, इंस्टॉल होने के बाद में ओपन का ऑप्शन आएगा, उससे अपन एप्लीकेशन को ओपन भी कर सकते हैं। जैसे एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाती है तो हमें मोबाइल के सामने दिखाई देती है। यदि उसको हटाना हो तो उस पर थोड़ी देर क्लिक रखें तो उसमें क्रॉस का निशान आ जाएगा, उस पर क्लिक करने के बाद में अनइंस्टॉल पर क्लिक कर दें। इससे हम एप्लीकेशन को भी हटा सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऐप वर्ड को एक्सप्लोर करना, यानी प्ले स्टोर होम स्क्रीन से फीचर्स किए गए कंटेंट श्रेणी माध्यम से ब्राउजर करने के लिए अपनी अंगुली फिंगर को स्वाइप करके डाउनलोड करने के लिए ऐप शीर्षक आगे तीन बिंदुओं टैप को भविष्य संदर्भ हेतु ऐप अपनी विश लिस्ट में डालें। इसी प्रकार हम अगले पॉइंट में बात करते हैं मोबाइल विशिष्टता और कॉन्फ़िगरेशन आवश्यकताएं जांचना, यानी सेटिंग पर जा सकते हैं। आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन के कॉन्फ़िगरेशन को देखने के लिए अबाउट पर क्लिक कर सकते हैं। आप अपने फ़ोन के बारे में रैम, प्रोसेसर, स्पीड, सॉफ्टवेयर अपडेट, फ़ोन पहचान विवरण इटीसी आप देख सकते हैं। इसमें कुछ कोड हम आपको बता रहे हैं, गुप्त कोड हैं, *#1234, यानी SW वर्सन PDA CSC मॉडेम देखें। इसके अलावा *#0*#, सामान्य टेस्ट मोड या नए फोन खरीदने के लिए अनुशंसित हैं। फिर आता है *#12580, *#369, सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर जानकारी, मोबाइल के बीच फाइल साझा करना, आप शेयर इट से दो या दो से अधिक डिवाइसों के बीच की फाइलों को स्थानांतरित कर सकते हैं, एक लोकप्रिय एप्लीकेशन में से एक है। कुछ वर्षों पहले लोग ब्लूटूथ का इस्तेमाल दो उपकरणों डिवाइस ट्रांसफ़र के लिए किया करते थे, और ट्रांसफ़र के लिए अभी जो चल रहा है वो चल रहा है एक्जेंडर के द्वारा हम फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं रास्ता खोजने के लिए गूगल मैप का उपयोग करना, यूजिंग गूगल मैप टू फाइंड द पाथ। गूगल मैप सभी ने यूज लिया है, नेविगेशन के लिए यूज होता है। इसके द्वारा हम अपना एड्रेस ढूंढ सकते हैं, जिस जगह जाना है वहाँ का एरिया, वहाँ की जगह का नाम उसमें डालें और अपनी लोकेशन दूसरे बॉक्स में आ जाती है। जैसे सर्च करेंगे तो वो दूरी और उसके बारे में पूरी जानकारी हमें दे देता है, और हम चल रहे हैं तो हमें लोकेशन भी बार बार इंडिकेट करता रहता है, यानी डायरेक्शन देता रहता है। इसके बाद अपना सातवां पॉइंट आता है सेटिंग पैनल। पहला आता है उसमें ब्लूटूथ, GPS, मोबाइल डेटा, वाईफाई आदि। ब्लूटूथ फिक्स एवं मोबाइल डिवाइस की छोटी दूरी में डेटा शेयरिंग कर सकते हैं। ब्लूटूथ हैंड फ्री, हैंडसेट, कार किट, अन्य ब्लूटूथ डिवाइस को चालू करके कनेक्ट करके आपको सेटिंग में जाना होता है। बंद हो तो उसको चालू करें और दूसरे मोबाइल जिसमें ब्लूटूथ है उसको स्कैन करके हम कनेक्ट कर सकते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं GPS। आप फ़ोन पर लोकेशन या GPS यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम सेवा सर्विस कई चीज़ों के लिए बहुत उपयोगी है, जिसमें यह पता लगाना मैप कहाँ है, नेविगेशन शामिल है। नेविगेशन ऐप्स का उपयोग करने के लिए सेटिंग में जाने के लिए लोकेशन GPS सेवा सर्विस को चालू करने की आवश्यकता होती है। मोबाइल डेटा,
मोबाइल डेटा ऐसी सुविधा है जो वायरलेस नेटवर्क या वाईफाई से आप सेल ऑपरेटर के माध्यम से इंटरनेट कनेक्शन सेवाएं प्रदान कर सकता है। इसे सक्रिय एक्टिव करने के लिए सुनिश्चित किया जाता है सेल फोन या सिम ऑपरेटर के डेटा पैक की सदस्यता ली है। सेटिंग ऐप में चालू करके डेटा सर्विस का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में वाईफाई वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन, जिसका उपयोग आप अपने मोबाइल डिवाइस पर इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए कर सकते हैं। आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाकर वाईफाई चालू करना होगा सिस्टम, तब भी सभी उपलब्ध वाईफाई नेटवर्क आपको दिखाएगा। उस नेटवर्क का चयन करें जिसका हम उपयोग करना चाहते हैं। इसी प्रकार आता है एक स्क्रीन लॉक सेट करना, यानी स्क्रीन सेटिंग ए स्क्रीन लॉक। एक लॉक कंप्यूटर इंटरफेस है जो डिवाइस एवं पहुंच को विनियमित करने के लिए उपयोग की जाती है, ताकि उपयोगकर्ता यूजर एक्सेस या प्राप्त रिसीव करने के लिए एक निश्चित एक्शन कर सकें, जिसे पासवर्ड दर्ज करना, एक निश्चित बटन संयोजन यानी कर्टेन बटन कॉम्बिनेशन का उपयोग करना, डिवाइस की टच स्क्रीन का उपयोग से कुछ इशारे दर्ज कर। इसमें निम्न विकल्प होते हैं, पहला कोई नहीं यानी स्क्रीन लॉक सुरक्षा नहीं चाहिए, दूसरा था स्वाइप, तीसरा आता है पैटर्न लॉक, चौथा आता है पिन और पांचवा आता है पासवर्ड। इनमें से हम जो चाहें वो सिलेक्ट करके यूज ले सकते हैं। मोबाइल हॉटस्पॉट को कॉन्फिगर करना, अब हम बात कर रहे हैं कॉन्फिगरिंग ए मोबाइल हॉटस्पॉट, यानी मोबाइल हॉटस्पॉट आपको अपने वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन को अन्य उपकरणों डिवाइस में साझा करने की अनुमति देता है, ताकि वे इंटरनेट एक्सेस कर सकें। डिवाइस अपने वाईफाई सुविधा उपयोग करके मोबाइल हॉटस्पॉट से अब जुड़े हुए यानी कनेक्टेड हुए हैं। आपके द्वारा मासिक डेटा योजना के अनुसार उपयोग किए जाने वाले डेटा के लिए शुल्क लिया जाएगा। फिर आप टीथरिंग विकल्पों को देख सकेंगे। नेटवर्क SSID एंड्रॉइड ऐप पर डिफ़ॉल्ट होगा, लेकिन आप जिस तरह चाहते हैं उसे सुरक्षित करने पासवर्ड के साथ किसी वांछित स्ट्रिंग में बदल सकते हैं। इसके बाद में अपना आठवां पॉइंट है राजस्थान के नागरिकों के लिए उपयोगी ऐप्स एंड यूजफुल ऐप्स फॉर राजस्थान सिटीजन। राजस्थान संपर्क DOIT&C अपने एंड्रॉइड फ़ोन राजस्थान संपर्क इंस्टॉल करना किसी अन्य ऐप को इंस्टॉल करने के समान है। गूगल प्ले स्टोर में जाके राजस्थान संपर्क हम खोज करके उस ऐप को हम इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें सुरक्षित लॉगिन, आपकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, शिकायत स्थिति देख सकते हैं, रिमाइंडर भेज सकते हैं, प्रक्रिया सुझाव दे सकते हैं। ई मित्र, इसमें आता है ई मित्र DOIT&C ने अपने एंड्रॉइड फ़ोन पे ई मित्र इंस्टॉल करना किसी अन्य ऐप की तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें सुरक्षित लॉगिन पंजीकरण कर सकते हैं, वन टाइम पेमेंट सर्विस आती है इसमें, सेवाएं सदस्यता ले सकते हैं, पिछले लेन देन के इतिहास देख सकते हैं, इनबॉक्स प्रोफाइल एडिट और रोल बदले प्रतिक्रिया ETC इसमें होते हैं। तीसरा आता है इसमें भामाशाह योजना, यानी आप इसको भी उसी प्रकार से इंस्टॉल कर सकते हैं। भामाशाह सर्च करेंगे तो आपको दिखाई देगा। इसमें हम जनसंख्या यानी पोल्यूशन स्टेटिक्स, एनरोलमेंट स्टेटस, QC एंड एडिटिंग, कार्ड प्रिंटिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सीडिंग स्टेटस, भामाशाह डेटा हब, एनरोलमेंट थ्रो इमित्रा, LSP वाइज BC स्टेटस चेक कर सकते हैं। EPDS अपने एंड्रॉइड फ़ोन पर इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें फैसिलिटी होती है अपने स्टॉक का स्टेटस देख सकते हैं, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं, सीडिंग स्टेटस देख सकते हैं, कोऑर्डिनेशन डिटेल देख सकते हैं, डेली ट्रांजेक्शन रिपोर्ट भी हम देख सकते हैं। इसके बाद में आती है ऐप राज ऐप सेंटर, यानी राज ऐप सेंटर सूची है, आप ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं। DOIT राजस्थान सरकार गवर्नमेंट से संबंधित एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है, यानी इसके द्वारा हम बहुत सारी ऐप एक साथ इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लोकप्रिय ऐप्स यानी पॉपुलर ऐप्स, जैसे
आप सबने नाम सुना होगा व्हाट्सएप। व्हाट्सएप मैसेंजर स्मार्टफोन्स के लिए एक फ्रीवेयर क्रॉस प्लेटफॉर्म एंड टू एंड एनी क्रिएटिव इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन या इंटरनेट उपयोग वॉइस कॉल या वीडियो कॉल सेकुलर नंबरों का उपयोग करते हुए अन्य उपयोगकर्ता टेक्स्ट मैसेज GIF फाइल वीडियो दस्तावेज डॉक्यूमेंट नोट्स भेज सकते हैं। इसके बाद में आता है फाइल मैसेंजर। एक डेस्कटॉप की तुलना में एक मोबाइल डिवाइस आमतौर पर विभिन्न प्रकार की फाइल्स को संबंधित मैनेज करने की आपकी क्षमता को सीमित करता है। मोबाइल उपकरणों मोबाइल डिवाइस आप फाइल्स को आसानी से डुप्लीकेट या स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं, नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही बार में आपके स्मार्टफोन की आंतरिक मेमोरी को संग्रहित या सभी फाइलों देखने का तरीका प्रदान करता है। हालांकि एक समर्पित प्रबंधक ऐप है जो आप फाइलों को अधिक आसानी से पुनः लोकेशन प्राप्त कर सकते हैं। इसकी फैसिलिटी है मूल फाइल्स प्रबंधन, SD कार्ड या कॉपी पेस्ट, क्रिएट पुनः हटाएं, नाम बदलें etc वर्क कर सकते हैं। एक बार में कई फाइलों को मल्टीपल फाइल चुनें, एक स्थान पर फोटो संगीत को ब्राउज कर सकते हैं, ऐप्स प्रबंधन कर सकते हैं, ZIP फाइल RR फाइल TR डिक्रिप्टी कर सकते हैं, पासवर्ड नेटवर्क प्लेस से पहुंचने लॉक कर सकते हैं, त्वरित पहुंच के फोल्डर बुकमार्क कर सकते हैं, चित्र देखें और अनहित मीडिया प्लेयर के साथ ऑडियो भी सुन सकते हैं। इस प्रकार ये हमारा 10वां यानी चैप्टर 10 कंप्लीट हुआ, मोबाइल डिवाइस स्मार्टफोन के साथ वर्क करना। धन्यवाद मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार 5 चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप सभी को वीडियो वॉच के लिए धन्यवाद। हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य इतना सा है, आज के टाइम में बुक्स पढ़ने के बजाय हर व्यक्ति क्वेश्चन सुनना ज़्यादा पसंद करता है। यदि आप सुनेंगे पढ़ेंगे तो आपको पॉइंट्स जल्दी याद हो जाएंगे। इसके अलावा हम कोशिश कर रहे हैं बुक्स को शॉर्ट रूप में आपको प्रस्तुत कर सकें। इसके अलावा आगे मोस्ट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट पेपर है और भी कोई गाइड है वो हम आपको प्रस्तुत करते रहेंगे। उसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी वीडियो देखनी हो तो sisitjaipur.com/video_gallery.php या sisit.qsfind.com पर भी जाके देख सकते हैं। यदि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आगे आने वाली वीडियो आपको ऑटो मिल जाएगी। यदि आपका या अपने परिवार में या और अपने रिलेशन में किसी का एग्जाम हो या होएगा तो उनके लिए लाभदायक रहेगी। एग्जाम से पहले हम मोस्ट क्वेश्चन भी भेजेंगे और हो सका तो मोस्ट पेपर भी आप तक उपलब्ध हो सकता है। उसके लिए नीचे आप देखेंगे सब्सक्राइब रेड कलर में लिखा हुआ आ रहा है, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ग्रे कलर में बदल जाएगा और लिखा हुआ जाएगा सब्सक्राइब्ड। इसका मतलब आप सब्सक्राइब कर चुके हैं। जैसे सब्सक्राइब लिखा हुआ आएगा उसके पास में आपको बेल भी दिखाई देगी। बेल पे जैसे आप क्लिक करोगे तो उसमें 3 ऑप्शन आएंगे, जिसमें पहला ऑप्शन है ऑल, उस पर क्लिक करेंगे तब भी हम आपको वीडियो भेजते हैं वो आप तक आसानी से पहुंच जाएगा और उसमें आपको हेल्प मिल सके। धन्यवाद सभी मित्रों, धन्यवाद।